दोस्तों आज 31 जनवरी 2019 है और कल 1 फरवरी 2019 है और कल 1 फरवरी 2019 के तहत भारत में 16 नए नियम लागू होने वाले हैं। तो आपको बता दें, इन नए नियम के लागू होने से सीधे आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। कुछ नियम से तो आपका फायदा होगा, कुछ नियम से हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो, लेकिन अगर आप इन नियमों को जान लेंगे तो आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए हर नियम को ध्यान से सुन लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं, हो सकता है आप कोई जरूरी जानकारी मिस कर दें। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले नियम की तरफ। साथ ही हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा दें। ऐसा करने से आप रोजाना की सरकारी खबरों से अपडेट रहेंगे। पहला नियम, जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मौत के सभी हादसे आएंगे मुआवजे के दायरे में, मिलेगी इतनी रकम। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले दुर्घटना में मौत होने पर परिवार के लिए 8 लाख मुआवजे का ऐलान कर सकती है। यानी अब चाहे किसी भी तरह की दुर्घटना हो, अगर कोई दुर्घटना में मारा जाता है तो उसके परिवार को पूरे 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें, अक्सर जो सड़क पर हादसे होते हैं तो उन पर तो मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो दूसरे हादसे होते हैं उन पर मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन अब चाहे किसी भी तरह का हादसा हो, सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं, और सुरक्षित होगी रेल यात्रा, रेलवे जल्द शुरू करेगा ये ऑनलाइन सुविधा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, इंडियन रेलवे जल्द ही ऑनलाइन FIR की सर्विस शुरू करेगा। यानी आप ट्रेन के अंदर होते हुए ही ऑनलाइन FIR कर सकेंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम FIR क्यों करेंगे? तो आपको बता दें, अगर आपका सामान ट्रेन में चोरी हो जाता है या आपके साथ कोई भी घटना हो जाती है तो आप ट्रेन के अंदर ही ऑनलाइन FIR कर सकेंगे। आपको बता दें, अभी तक इस तरह की कोई भी सर्विस नहीं है कि आप ऑनलाइन FIR कर सकें। आपको बता दें, अभी जो FIR होती है, आपको पहले रेलवे वालों को बताना पड़ता है, फिर वो आपके राज्य पुलिस को बताती है, फिर वो लोग आपकी सुनवाई पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे में इंसाफ मिलने में बहुत ज्यादा देर लग जाती है, इसीलिए डायरेक्ट अब ऑनलाइन FIR होगी। और अगर आपका सामान चोरी हो जाता है या कोई चीज भी हो जाता है तो CCTV कैमरे के जरिए उसे जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा कि आपका सामान कौन चोरी करके कहां ले जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर करीबन 12,000 ट्रेनों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बंद हो जाएगी इस नोट की छपाई, अब बाजार में आएगा इसका सिक्का, 1 से 10 रुपए तक के सिक्के भी बदल जाएंगे। जल्द ही बाजार में 1 से लेकर 10 रुपए तक के नए सिक्के आने वाले हैं। सरकार सिक्के का रंग रूप बदलने जा रही है। इतना ही नहीं, 20 रुपए के नोटों की छपाई बंद होने जा रही है, इसकी जगह 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया जाएगा। इस सिक्के का आकार अष्टकोणीय होने की उम्मीद है। आपको बता दें, इन सिक्कों का डिजाइन तैयार कर लिया गया है, जिन्हें फाइनल करने के लिए दिल्ली में बैठक भी हुई है। आपको बता दें, जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कागज की खपत को बचाने के लिए अब सिक्कों का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी छोटे नोट है उनकी छपाइयों को बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह सिक्के चलाए जाएंगे। आपको बता दें, ये खबर खुद दैनिक भास्कर वेबसाइट पर लगाया गया है। दोस्तों, आज का अगला नियम बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और आपका शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं, 17 करोड़ SBI अकाउंट होल्डर को बैंक की सलाह, किसी को न बताएं मां का नाम। एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया आदेश जारी किया है। आदेश में ये बताया गया है कि जो भी SBI के ग्राहक है वो अपनी मां का सरनेम किसी को भी ना बताएं, साथ ही में जो उनका पेट नेम है वो भी किसी को ना बताएं। आपको बता दें, इन दोनों ही नाम का यूज डेबिट कार्ड के पासवर्ड को रीसेट में किया जाता है। अगर आप इन नामों को बता देते हैं तो आपका खाता पूरा खाली भी हो सकता है। खुद बैंक की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तब भी आप किसी को अपनी माँ का नाम या अपना पेट नेम ना बताएं। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय रेलवे ने इन खास लोगों को किराए में दी छूट, जानकर होगी खुशी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने अब थर्ड जेंडर नागरिकों को भी किराए में छूट दे दी है। आपको बता दें, अब तक जो थर्ड जेंडर लोग थे, यानी जो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, उन लोगों को 60 वर्ष होने के बाद भी कोई छूट नहीं दी जाती थी। जिस तरीके से अभी आम आदमी को छूट मिलती है, यानी आम आदमी जब 60 साल का हो जाता है तो उसे रेलवे के टिकट पर 40% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये थर्ड जेंडर को नहीं मिलता था। लेकिन अब ये लाभ थर्ड जेंडर को भी मिलने लगेगा। इस लाभ की खबरें पहले भी आई थी, लेकिन फाइनली ये लागू हो गया है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं, हवाई जहाज में मिलने वाली ये सेवा अब ट्रेन में मिलेगी। पश्चिम रेलवे शुरू करेगा ये सेवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आए दिन ट्रेन के सफर को लेकर कोई न कोई सुधार किया जाता है। आपको बता दें, अब जिस तरीके से हवाई जहाज में शॉपिंग की सुविधा दी जाती है, अब उसी तरीके से आपको रेलगाड़ियों में शॉपिंग की सुविधा दी जाएगी। रेलगाड़ियों के अंदर सेल्समैन मौजूद रहेंगे, आप इन सेल्समैन से अपनी जरूरत का सामान नगद और कार्ड से खरीद सकेंगे। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं कि खेती के कचरे से भी होगी किसानों की कमाई,
सुनवाई। एनटीपीसी में पराली से बिजली का उत्पादन शुरू। धान की कटाई के बाद खेतों में पड़ी पराली के राष्ट्रीय समस्या बनकर सामने आती है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में आसमान में घिरते धुएं के बाद सैटेलाइट से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में जलते खेतों की तस्वीरें हर तरफ बवाल मचाती है। लेकिन आपको बता दें, पराली जलाना किसानों की मजबूरी भी होती है। अगर वो लोग पराली नहीं जलाएंगे तो खेत खाली नहीं होंगे। धान काटने के बाद जो पराली बच जाती है उसे जलाना जरूरी होता है। कड़े नियम बनाए जाते हैं, उसके बाद भी पराली जला दी जाती है। लेकिन आपको बता दें, अब इस परेशानी का हल ढूंढ लिया गया है। आपको बता दें, धान काटने के बाद जो कचरा बच जाएगा, जिसे पराली कहा जाता है, अब उससे बिजली तैयार की जाएगी। आपको बता दें, गाजियाबाद के अंदर एनटीपीसी में इसी पराली से बिजली का उत्पादन का काम शुरू हो गया है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग ने दी बड़ी सहूलियत। अब आप घर बैठे बनवा सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों को एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है। आपको बता दें, अब आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने हैं। आप घर बैठे बैठे ही अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आप घर बैठे ही इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और एक महीने के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा। आपको बता दें, अगर आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसे अभी के समय में बनवा लें, क्योंकि चुनाव के वक्त वोटर आईडी कार्ड बहुत जल्दी बन जाता है। अब वोटर आईडी कार्ड के लिए घर बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका हम आपको एक वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों की आमदनी में होगा इजाफा, घर से ही फसल खरीदेगी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि भारत की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में अगर किसान लोग परेशान हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक हरसिमरत कौर का कहना है कि किसानों की आमदनी में अब इजाफा होगा, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो डायरेक्ट सरकार खरीद लेगी, ताकि बीच में कोई कमीशन वाला नहीं आएगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पूरे देश में हो लागू शराबबंदी। जी हां दोस्तों, नोटबंदी के बाद पूरे देश में शराबबंदी हो सकती है। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये आवाज उठाई है और कहा है कि पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए। आपको बता दें, अगर केंद्र सरकार ने इनकी बात को स्वीकार कर लिया तो जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी, उसी तरीके से पूरे देश में शराबबंदी हो सकती है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा सस्ती करने के लिए जीएसटी में राहत दे सकती है सरकार, मंत्री ने किया है वादा। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको शिक्षा पे जो जीएसटी लगती है उसकी दरों में कमी की जा सकती है। यानी जो भी शिक्षा से जुड़े कोर्स होते हैं और शिक्षा से जुड़ी जो भी खर्च आते हैं, उन सभी को कम करने का विचार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उन पर ज्यादा भार ना पड़े, और जो भी देश के नौजवान लोग हैं या बच्चे लोग हैं, वो कम से कम पैसे में अच्छी पढ़ाई कर सकें और अच्छे कोर्स कर सकें और देश को उन्नति की तरफ ले जा सके। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका स्टेशन आने से पहले अटेंडेंस वापस ले जाएगा कंबल तकिया। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, अगर आप एसी कोच में सफर करते हैं तो आपका स्टेशन जैसे ही आने वाला होगा तो आपको रेलवे की तरफ से जो तकिया बिस्तर वगैरह दिया होगा वो पहले ही वापस ले लिया जाएगा। आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीते कुछ महीने में रेलवे को करीबन 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे के तकिया बिस्तर वगैरह चोरी करके ले जाते थे, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, दोस्तों अगला नियम बताने से पहले आपके लिए छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका फायदा भी होगा और इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि क्या आपको सरकार ने फ्री में गैस कनेक्शन दिया है या नहीं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों को बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेगी 30 नई सेवाएं, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। सरकार की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक योजना बनाई है जिसके तहत एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। आपको बता दें, इस सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों को घर बैठे ही 30 नई सेवाएं दी जाएंगी। आपको बता दें, ये 30 नई सेवाएं वो है जिसके लिए आपको दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको बता दें, इसमें डीटीसी के पास वगैरह शामिल है, साथ ही में आपको जो बहुत सारी चीजों का लाइसेंस बनवाना पड़ता है वो भी चीजें इनमें शामिल है। यानी अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें, आने वाले दिनों में हो सकता है कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की सेवाएं लॉन्च की जाए कि आपको जो दफ्तर वाले काम है वो घर बैठे ही करना पड़े। यानी ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको इतनी ज्यादा आसानी मिलने वाली है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर होगी रियायतों की बारिश, सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, जहां ये खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पर टैक्स लगेगा, वहीं पर ये खबरें आ रही हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से बहुत ही ज्यादा सहायता की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत 50,000
₹25,000 होगी तो आपको करीबन ₹25,000 ही देने पड़ेंगे, यानी ₹25,000 सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सरकार जल्दी इसका बड़ा ऐलान कर सकती है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि बजट 2019 में घर खरीदारों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, सरकार बढ़ा सकती है इंटरेस्ट सब्सिडी का दायरा। जी हाँ दोस्तों, घर खरीदारों के लिए फिर से एक बार और बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, लगातार कुछ दिनों से घर खरीदने वालों को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, बजट 2019 में जो फैसला लिया जाएगा उसमें घर खरीदारों को जो सब्सिडी मिलती है उसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा, यानी घर खरीदने वालों को आने वाले दिनों में घर और भी ज्यादा सस्ता मिलने वाला है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब घर बैठे पाए पेपरलेस कैशलेस डिजिटल प्रमाण पत्र, होने वाली है जिंदगी आसान। जी हाँ दोस्तों, सरकार का फोकस चुनावी साल में जनता को पेपरलेस कैशलेस और फेसलेस सुविधा घर बैठे मुहैया कराने पर रहेगा। इसी के लिए सरकार डिजिटल लॉकर सिस्टम को धरातल लागू करने जा रही है। हर व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे। यानी सरकार एक ऐसी योजना लागू करने वाली है जिसके तहत अब आपको घर बैठे ही आपके पूरे प्रूफ दिए जाएंगे। अगर आपके पास अपने प्रूफ की या प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी नहीं है तो सरकार की तरफ से आपको वो डिजिटल तौर पर आपके फोन में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बता दें, इसकी शुरुआत हरियाणा से की जा रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं।